चार दीवारी नुमा परती जमीन से छापेमारी कर 293 कार्टन शराब बरामद। खबर है पटना सिटी से, जहां गुप्त सूचना के आधार पर दीदारगंज थाना पुलिस ने महुली धवलपुर रोड स्थित एक चार दीवारी नुमा परती जमीन में छापेमारी कर एक ट्रक और एक कार से 293 कार्टून विदेशी शराब बरामद किए हैं। परती जमीन में उगे घास फूस में शराब छिपा कर रखता था और ट्रक से विदेशी शराब को अनलोड कर रहा था। तभी पुलिस टीम ने छापेमारी कर ट्रक से 288 कार्टून विदेशी शराब बरामद किए हैं, तो वहीं कार से 5 कार्टून विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। मौके पर पुलिस ने गया जिला के टेकारी थाना क्षेत्र के जलालपुर के रहने वाले ट्रक ड्राइवर व खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ट्रक और कार को भी जब्त कर लिया गया है। बताया जाता है कि अवैध शराब माफियाओं द्वारा ट्रक से विदेशी शराब की एक बड़ी खेप झारखंड के गढ़वा से मंगाई गई थी, जिसे महुली धवलपुर रोड स्थित एक बाउंड्री नुमा परती जमीन में अनलोड किया जा रहा था, जहां से उसे कार द्वारा अवैध सप्लाई के लिए ले जाया जाना था। पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिली, पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त कर लिया है। पूरे मामले में दीदारगंज थाना क्षेत्र के दरोगा रवि रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महुली धवलपुर रोड स्थित राहुल कुमार सिंह बाउंड्री नुमा मकान में भारी मात्रा में अवैध शराब का भंडारण कर रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर ट्रक और कार से 293 कार्टन विदेशी शराब बरामद कर लिया है। बरामद शराब की कीमत लगभग 25 से 30 लाख के आसपास है। दरोगा रवि रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस से बचने को लेकर अवैध शराब माफियाओं द्वारा ट्रक में तहखाना बनाकर अवैध शराब के कार्टून को उसमें रखा गया था और ऊपर से भूसे की बोरियों को ट्रक पर रखा गया था। दरोगा ने अवैध शराब माफियाओं की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिए जाने का भरोसा दिलाया है। फिलहाल पुलिस अवैध शराब माफियाओं की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर सघन छापेमारी में जुट गई है। पटना से प्रभाकर निराला, लाइव 24 न्यूज। किस हालात में पकड़े हैं, कितने लोग गिरफ्तार हैं? मोहली धवलपुरा रोड में राहुल सिंह का एक बाउंड्री किया मकान है, उसी में एक ट्रक में भूसा के तहत खाना कर उससे 288 कार्टून अंग्रेजी शराब के बराबर किया गया। कितनी कीमत होगी लगभग उसकी? करीबन मानता 25 से 30 लाख के बीच हो सकता। कितने लोग गिरफ्तार हुए? दो लोगों को पूछताछ डिटेन किया गया। कुछ बताया है कि कहाँ से आ रहा था माला, कहाँ जा रहा था? पूछताछ किया जा रहा है। और कार भी है ना? अच्छा, एक गाड़ी भी बरामद हुआ है। अपना परिचय दें। रवि रंजन सब इंस्पेक्टर।